नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज टू स्प्रिंग्स ए एंड बी दो स्प्रिंग है आपके ए और बी और अपने को दिया हुआ है कि के जो है आपका ए का बी के ट्वाइस है के आपका स्प्रिंग है आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा है कि दोनों पे ही आप इक्वल फोर्स एफ लगा रहे हैं इफ द एनर्जी स्टोर इन ए इज ई आपने ए को जब खींचा है उसके अंदर मान लो एनर्जी स्टोर हुई है ई तो सवाल है बी की एनर्जी क्या होगी नाउ स्नैरियो ये है कि यह आपका एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट के के ए आपकी ए स्प्रिंग है आपने यहाँ एक फोर्स लगाया और यहाँ एक फोर्स लगाया दूसरी ये स्प्रिंग आपकी जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के भी है यहाँ पर आपने फोर्स एफ लगाया है और यहाँ पर फोर्स एफ लगाया है ना इस सिनेरियो में यहाँ पे जब आप अपनी आप, स्प्रिंग का हुक्स लॉ से इक्वेशन लिखेंगे सो आप कहेंगे एफ विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स और इस वाले केस में आप लिखे हो गए एफ विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स ना यहाँ पे आपका के ए और लेट्स ये आपका एक्स बी हो गया यहाँ पे के बी और एक्स बी यहाँ पे हो जाएगा दोनों का ही आपका फोर्स बराबर है इन दोनों को डिवाइड कर दें इक्वेट कर दें सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि के एक्स ए विल बी इक्वल टू के बी एक्स बी अब हमारे यहाँ पे अगर एक्स ए और एक्स बी का रेशियो निकालेंगे इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स ए इससे डिवाइड कर दें विल बी इक्वल टू एक्स बी और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी के बी डिवाइडेड बाय के ए नाव अपने को ओरिजिनली दिया हुआ है कि के ए जो है आपका वो इससे ट्वाइस है के बी से सो so इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी वन बाय टू के बी को आप यहाँ रखेंगे टू के ए आपका के ए कैंसिल हो जाएगा सॉरी यहाँ के ए को आप रखेंगे टू के बी और के बी कैंसिल हो जाएगा सो वन बाय टू वुड बी माई आंसर नाव इस सिनेरियो में अब हमसे पूछा है क्या मान लो आपने ए में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको आपने ई e कहा है तो इसका मतलब है कि ए स्प्रिंग में जो आपकी एनर्जी होएगी उसको लेट्स कॉल इट ई ए दैट विल बी इक्वल टू हाफ हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर और आपकी ई e बी जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ के बी एक्स बी का स्क्वायर ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड होएगी ना इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं ये आपकी इक्वेशन नंबर लेट्स से इसको हम थ्री कह देते हैं इसको फोर कह देते हैं ये इक्वेशन वन और टू थी मान लो तो अब हम यहाँ कर रहे हैं फोर डिवाइडेड बाय थ्री लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा अपना ई बी डिवाइडेड बाय ई ए विल बी इक्वल टू इससे जब इसको डिवाइड करेंगे हाफ कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाय के ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी बाय एक्स ए का स्क्वायर नाउ के बी और के ए के बीच में रिलेशन है वो अपने को ऑलरेडी पता है उसको हम लिख सकते हैं के ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस के बी सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एक्सए और एक्स बी का रेशियो अपने को पता है कि एक्से और एक्स बी इज इक्वल टू वन बाई टू यानी कि एक्स ए बाई एक्स बी जब हम कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू टू स्क्वायर सो आपका लेफ्ट हैंड साइड था ई बी विल बी इक्वल टू ई ए और नाउ इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ई बी अगर हम ई ए को उधर ले जाएँ यहाँ पर टू का स्क्वायर करेंगे फोर एक टू कैंसिल हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ई ए यानी कि एनर्जी ई बी में है वो आपकी एनर्जी ई ए से ट्वाइस होगी दैट मीन्स आपका ऑप्शन टू जो है टू ई e, That would be the final right answer for this particular problem.